आपसे यह है कि 129 साल की पुरानी कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती है, अमर्यादित भाषाओं में प्रश्न उठाती है। वह कांग्रेस जिसने ए से लेकर जेड तक वर्ल्ड रिकॉर्ड घोटाले का कर रखा है, उस कांग्रेस के घोटाले के जवाब हम किस भाषा में देना चाहिए? और आपने जो अपने भाव व्यक्त किया है, मैं जब आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे काका हाथरसी की, काका हाथरसी व्यंग काव्य के बड़े कवि थे, उनकी एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अपनी गलती नहीं दिखे, समझे खुद को ठीक, मोटे मोटे झूठ को पीस रहा बारीक, अपनी ही करता है, सुने न दूजे तर्क, सभी तर्क हो व्यर्थ जब मूर्ख करे कुतर्क। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन्होंने झूठ बोलना तय कर लिया है, गलत करना तय कर लिया है, सही करना जिनके संस्कार नहीं है, सही करना स्वभाव नहीं है, उनके पीछे आप अपनी शक्ति क्यों बर्बाद करते हो भाई? वो हमें गाली देते हैं तो दे, हम राष्ट्र सेवा में जुटे रहेंगे। वो अपना वजूद बचाने के लिए गली गली भटकेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर विजय पताका फहराएंगे। वो देश से विदेश तक साजिश रचेंगे, हम हर गांव में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। वो हमें अलग अलग नाम दे रहे हैं, हम देश के हर नौजवान को काम देने योग्य बना रहे हैं। वो तोड़ने की राजनीति करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर गिरेंगे, हम देश के हर चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाकर अपने गांव की महिला का जीवन स्तर उठाएंगे। उन्हें यह मंजूर नहीं कि सत्ता पर किसी गांव गरीब से आया भारतीय बैठे। हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते रहेंगे। गरीबों को गाली देने की, उनको दबाने की ये संस्कृति कुछ परिवारों में रही है। कांग्रेस के नामदार उसी संस्कृति का हिस्सा है, उसी परंपरा का हिस्सा है। मैंने पहले भी कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही खिल के रहेगा, खिलता रहेगा और खिल रहा है।